यूपी सरकार ने शाहजहांपुर में 82 ऐसे टीचर को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है जो बच्चों को पढ़ाने की बजाय कुछ और कामों में व्यस्त रहते थे। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले लापरवाह टीचर ऐसे नपे कि अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। बच्चों के भविष्य को सूली पर टांग कर आराम करने वाले टीचरों पर सरकार का ऐसा डंडा चला है कि दूसरों के लिए बड़ी नसीहत है। ऐसे एक दो या दस नहीं पूरे 82 टीचर हैं जिन्हें सरकार ने बाहर जाने का नोटिस थमा दिया है। यूपी के शाहजहांपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई की है। अफसर ने उन 82 शिक्षकों को सेवा समाप्ति का नोटिस थमा दिया है जो या तो स्कूल नहीं जाते थे या फिर स्कूल बंद होने के बावजूद सैलरी पा रहे थे। डीएम के आदेश पर हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा है। तो पाया गया था कि लगभग 57 टीचर्स जो है उस दिन अनुपस्थित थे और 10 विद्यालय बंद पाए गए थे। जिन विद्यालयों में बंद पाए गए थे उनमें से 23 अध्यापक कार्यरत थे, तो 23 युवा अध्यापक और 57 जो उस दिन अनुपस्थित थे बिना किसी सूचना के, उन सभी का वेतन रोकते हुए उनको सेवा समाप्ति की नोटिस दी गई है। दरअसल जिले में एक साथ स्कूलों का निरीक्षण किया गया जिसमें कई ऐसे टीचर मिले जो कभी स्कूल नहीं जाते थे। बच्चों ने सच सच बताया तो अफसर एक्शन में आए। ऐसे 82 टीचरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण के समय भी कुछ संज्ञान में आए हैं जिसमें सुगंधा ब्लॉक के दो अध्यापक हैं उनको भी सेवा समाप्ति की नोटिस दी गई है। तो मेन रूप से ये है कि जो अनुपस्थित रहे हैं बिना किसी सूचना के उनको जो है सेवा समाप्ति की नोटिस दी गई है और वेतन रोका गया है ताकि जो है शिक्षकों की उपस्थिति सुधार। यूपी में बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ये बेहतर पहल है। आखिर वो टीचर किस काम के जो ना स्कूल जाएं, जो बच्चों को ना पढ़ाएं। ऐसे टीचर जहां कहीं भी हों उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामले जहां सामने आएंगे टीचर नप जाएंगे। शिव कुमार, इंडिया 24/7, शाहजहांपुर। और इसी खबर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता शिव कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, कह सकते हैं कि एक्शन तो काफी गंभीर बड़ा लिया गया है, लेकिन क्या इससे शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार होगा और जो टीचर्स अभी तक लापरवाही बरत रहे थे क्या वो अब सुधरेंगे? देखिए, जिलाधिकारी ने इसी के मद्देनजर पूरा का पूरा अभियान चलाया था। लगातार की शिकायतें मिल रही थी कि जो टीचर हैं वो स्कूल नहीं पहुंचते हैं और हाजिर लगाकर गायब जाते थे या कुछ ऐसे टीचर थे जो स्कूल भी बंद करके गायब जाते थे। इसी के चलते जिलाधिकारी ने एक निर्देश अधिकारी टीमों के साथ शिक्षक है वो लापरवाही बरत रहे हैं। इसी के मद्देनजर करीब 82 टीचर थे उनको सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है। हालांकि इस घटना की पूरे जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिव इस जानकारी के लिए। तो शाहजहांपुर में एक साथ 82 टीचर्स आउट कर दिए गए हैं, नोटिस उन्हें जारी किया गया है। कह सकते हैं कि लापरवाह टीचर्स पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है।